आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अभी शाम के 6 बज चुके हैं और इस टाइम मैं अपने खेत में हूँ, और तो काफ़ी ज़्यादा आजकल खेतों में हरा भरा हो चुका है। देखिए, काफ़ी लंबी लंबी घास भी हो रखी है खेतों में, और कलमों की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी खासी चली है। तो देखिए, इधर साइड हमने पाइप बिछा रखी थी, तो इसमें हमने सिंचाई कर रखी है, तभी इसमें खेतों में काफ़ी ज़्यादा हरियाली है। और इधर साइड देखिए, ये आड़ू का प्लांट है, तो आड़ू के प्लांट में काफ़ी अच्छी खासी इसमें फसल है, बहुत ही ज़्यादा फसल है। काफ़ी झुकी हुई है इसकी टहनियाँ, तो इधर साइड हमने इसमें देखिए स्पोर्ट लगा रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा इसमें ओवर क्रॉप है बीच में। तो देखिए, इधर भी अब पकना शुरू हो चुका है, तो हमारा ये थोड़ा यहाँ लेट है ये बीच। तो देखिए, यहाँ पर मेरे हाथ में इस तरह से बीच बीच में कुछ कुछ पक गए हैं, तो खाने के लिए अब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, खूब रसीले हैं। देखिए, इस तरह से खूब आजकल पहाड़ों में खूब सारे फल फ्रूट तैयार हो चुके हैं, और साथ में अनार भी पक रहे हैं। अभी अनार को तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये आड़ू का जो पूरा पक के तैयार हो चुका है प्लांट, कुछ कुछ इसमें पकने को भी है, तो काफ़ी ज़्यादा ओवर क्रॉप है, जिसकी वजह से इसमें साइज़ थोड़ा कम है। और इधर साइड देखिए, और सेब भी देखिए लाल लाल हो चुके हैं। साइज़ में थोड़ी प्रॉब्लम इस बार दिक्कत है, क्योंकि बारिश ना होने के कारण इसमें साइज़ थोड़ा कम है। और साथ में देखिए, एक ही प्लांट है, और एक साइड रेड एप्पल है और एक साइड ग्रीन एप्पल है, और हमने इसमें अलग अलग तरह की कलम कर रखे हैं। और ये हमारे पास देखिए चैलेंजर है, और ये हमारे पास डार्क बैरन गाला है, तो डार्क बैरन गाला में काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है इस टाइम। तो अभी जून के एंड में देखिए, इसमें कलर बहुत ही शानदार है और बहुत ही क्रंची और रसीले होते हैं। गालाज की ये वैरायटी है, देखिए डार्क बैरन गाला, और इस साइड कद्दू की बेल भी धीरे धीरे बढ़ रही है। और साथ में हमने कुछ नया एक्सपेरिमेंट करा इस साल, जो हमारे पास ये आप देख रहे हो प्लांट, ये है खुमानी का प्लांट, और नीचे से है इसका जो बॉटम, वो है इसका नीचे आरू का, तो आरू के ऊपर हमने खुमानी की कलम करी है, तो काफ़ी अच्छा देखिए इसमें ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी है। अभी देखना ये है कि इसमें जो खुमानी है वो किस वैरायटी की, किस तरह का इसमें खुमानी लगेगी। और साथ में देखिए, अनार अभी कच्चे हैं, तो अनार तो सितंबर में जाके पकते हैं। और इधर साइड देखिए चैलेंजर भी काफ़ी खट्टा मीठा, खट्टा सा होता है इसमें ज़्यादा, तो काफ़ी अच्छा ये शुगर पेशेंट जो होते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है एप्पल। और तो आजकल खूब सारे फल फ्रूट इस तरह से पहाड़ों में पक्के तैयार हो रहे हैं। और साथ में देखिए माइलोवामस बैठा है, तो अभी शाम के टाइम बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही शांत, बिल्कुल एकदम से गांव का मौसम ना, पहाड़ों का मौसम बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बहुत ही खास, बहुत अच्छा सुकून भरा। तो अभी तो मैं यहाँ अपने ऑर्चर्ड में हूँ, तो आसपास कुछ पेड़ों की वजह से अभी आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा, तो अभी मैं आगे आपको दिखाऊँगी। और इस साइड भी हमने देखिए कुछ नया एक्सपेरिमेंट यहाँ भी कर रखा है, तो इधर साइड देखिए, यहाँ पे हमने आड़ू के ऊपर इधर भी हमने खुमानी भी कर रखी है, और एक साइड हमने पीच कर रखा है। तो देखिए इधर को, ये पी जो आप इधर साइड देख रहे हो ये है पीच की कलम कर रखी, और इधर साइड जो आप देख रहे हो ये है खुमानी की कलम कर रखी है। तो अभी आगे देखते हैं कि इसमें किस तरह के फ्रूट लगेंगे। और इधर साइड देखिए, घिया में भी फ्लावर आना शुरू हो चुका। देखिए यहाँ पे अभी कुछ टाइम बाद अपने खेतों की घिया भी तैयार हो जाएगी खाने के लिए। और साथ में हमने भिंडी बैंगन सब कुछ बीज रखा है, पौधे लगा रखे हैं, तो बहुत ही जल्दी ये सब कुछ तैयार हो जाएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी कि खीरा भी हमारी तैयार हो चुकी है।
और इधर साइड भी कुछ इस तरह से देखिए, कहीं लाल है और कहीं पे ग्रीन एप्पल है, दोनों वेराइटीज़ एक ही प्लांट में लगा रखी है। और इधर साइड देखिए, सेब के प्लांटों के बीच इस तरह से हमने टमाटर लगा रखे हैं इधर, और साथ में मिर्च है और बैंगन भी लगा रखे हैं, और शिमला मिर्च भी। देखिए मिर्च में भी फूल आना शुरू हो चुका है, अब तो काफ़ी बड़े बड़े प्लांट हो चुके हैं। और इधर साइड देखिए, सेब भी अब धीरे धीरे लाल होना स्टार्ट हो गया है। और इधर साइड टमाटर के जो प्लांट है काफ़ी बड़े हो चुके हैं, और इसमें देखिए बहुत ही इसमें सुंदर टमाटर भी लग चुके हैं। अब कुछ टाइम बाद टमाटर भी पक के तैयार हो जाएंगे। और ये पूरी जो हमारी खेती है बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक खेती है। देखिए इस साइड हमने यहाँ पे केंचुआ खाद रखी है, यही हम केंचुए जो गोबर होता है वही हम इसमें यूज़ करते हैं। तो देखिए इसमें काफ़ी बढ़िया से टमाटर की फसल अच्छी से लगी है। और इधर साइड खीरा है, अभी देखते हैं एक खीरा, देखिए वहाँ पे खीरा तैयार हो गया है। देखिए यहाँ पे ये पहाड़ी जो ककड़ी है वो तो ये नहीं है, अभी उसका प्लांट छोटा है, ये दूसरी वाली खीरा है, तो अभी इसको निकालेंगे हम। और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ्लावर लगे हैं खीरे में, और टमाटर तो बहुत ही अच्छे है, और इसकी खुशबू ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। टमाटर के ये जो पत्ते होते हैं इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। तो इस तरह से हमने ऑर्गेनिक सब्जी भी तैयार कर रखी है, और फ्रूट भी हमारे जो भी फ्रूट है वो सारे ऑर्गेनिक ही होते हैं। नो माइलो, देख बहुत ही शैतान है माइलो। नो बाबू नहीं, देखिए। तो चलिए अभी खीरा निकाल लेते हैं। तो ये देखिए लाल हो चुकी है ये, क्योंकि ज़्यादा टाइम इसको नहीं रख सकते हैं, फिर इसका जो बीज होता है काफ़ी अंदर से सख्त हो जाता है। तो ये अभी देखिए खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है। तो मॉनसून के टाइम पहाड़ों में बहुत ही ज़्यादा इस तरह के फ्रूट होते हैं, अपने ही सब्जी फ्रूट जो मर्जी, तो बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो अभी मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। और इस साइड देखिए खीरंगिया में कितना अच्छा, ये देखिए फ्लावर खिला हुआ है, बहुत ही सुंदर। तो अभी शाम के 7 बज चुके हैं, और पहाड़ों में आजकल शाम शाम को डेली हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो बहुत बढ़िया है। और सामने का व्यू आजकल कुछ इस तरह से दिखता है, श्रीखंड में तो पूरा ही धुआं हो रखा है, तो बाकी का नज़ारा कुछ इस तरह से देखिए दिख रहा है अभी शाम के टाइम। तो यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू दिखता है, और चिड़ियों का चहचहाना अभी बहुत ही मधुर इनकी आवाज़ लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो कुछ इस तरह का व्यू होता है शाम के टाइम। और अभी थोड़ी हल्की हल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आपको वीडियो कैसा लगा हो तो इसको ज़रूर कमेंट करके बताइए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।